ये मॉर्निंग के सुबह छः बजे का ब्लॉग है जहाँ पर मैंने छः बजे देखिए कितना ज़्यादा क्राउड था यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रीट शॉपिंग करनी है तो आप मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर कर सकते हैं शॉप्स क्लोज रहती हैं उसके आगे ये मार्केट लगता है यहाँ पर आपको इस तरीके से जनमास मिल रही थी जो कि आपको मिल रही है वन फिफ्टी रुपीज़ में टू जनमास मिल जाएंगी यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है मॉर्निंग के टाइम पर ये देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से बच्चों के खिलौने भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और ये फिफ्टी रुपीज़ का था कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं ये सब फिफ़्टी रुपीज़ में आपको मिल रहे थे उसके बाद ये दुपट्टे मिल रहे थे जो कि आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएंगे सेवेंटी फाइव रुपीज़ में मिल जाएंगे कॉटन फैब्रिक के थे और ये भी मॉर्निंग के टाइम पर था ये मार्केट आपको सुबह के साढ़े पाँच बजे से लगना शुरू हो जाता है और सुबह के नौ बजे तक ही ये मार्केट आपको देखने को मिलेगा अगर आपको मॉर्निंग का स्ट्रीट मार्केट शॉपिंग करना है सो आप इसी टाइम पर विजिट करेंगे ब्लैक वाला वन फिफ्टी रुपीज़ का एक था और ये फ़िक्स प्राइस था इस पर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते बट कई जगह पर आप बार्गेनिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके के बर्तन वगैरह के स्टॉल्स भी खूब ज़्यादा देखने को मिलेंगे ये ज्वेलरी बॉक्स थ्री में यहाँ पर मिल रहा था काफ़ी अच्छा था यहाँ पर आपको तामचीनी के बर्तन भी बहुत मिलेंगे और जब भी आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं तो आप अपने बैग का जरूर से ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर बहुत है बहुत ज्यादा क्राउड और सभी शॉप्स आपको मार्केट में इसी तरीके से देखने को मिलेंगी ये मॉर्निंग का टाइम है ये आपको ब्लैंकेट मिल रहा था वन फिफ्टी रुपीज़ में जो कि किड्स ब्लैंकेट था ये भाई सेल कर रहे थे यहाँ पर और बहुत ही अच्छा था ये आपको पूरा सेट मिल जाएगा वूलन सेट किड्स का ये हंड्रेड रुपीज में उन्होंने प्राइस बताया था ये फिक्स रहेगा इस पर वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा यहाँ पर कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा ये बैग्स मिल रहे थे वन फिफ्टी रुपीज़ में टू पीस मिल जाएंगे आपको यहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं ये कोई फिक्स प्राइस स्टॉल नहीं था कहाँ यहाँ पॉसिबल हो ये भैया का स्टॉल था इनके पास काफ़ी ज़्यादा बैग्स का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा उसी के आगे मुझे एक और स्टॉल मिला राइट हैंड साइड पर जहाँ पर आपको इस तरीके से काफ्तान वाली कुर्तीज़ मिल रही थी थ्री फिफ्टी रुपीज़ में और ये भैया यहाँ पर थे और उन्होंने प्लाजो और पैंट्स का टू हंड्रेड रुपीज प्राइस बताया था और आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं काफी अच्छा कलेक्शन आपको इनके पास देखने को मिलेगा कुछ कुर्तीज 250 रुपीज की भी अवेलेबल थी और कुछ आपको प्लाजो पेंट के साथ भी आपको टू फिफ्टी रुपीज में पूरा सेट मिल जाएगा जैसे ये वाला जो था इसमें कुर्ता एंड प्लाजो पूरा था यानी गरारा था इसके साथ ये आपको टू फिफ्टी रुपीज में पूरा सेट मिल जाएगा उसके बाद कुछ इस तरीके से जैकेट्स भी यहाँ पर सेल हो रही थी जो कि किड्स के लिए भी थी और एडल्ट्स के लिए भी थी टू हंड्रेड रुपीज़ से फोर हंड्रेड रुपीज़ की प्राइस रेंज पर थी यहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं ये भैया का सेल कर रहे थे यहाँ पर काफ़ी अच्छा था यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर डेली मार्केट लगता है ऐसा नहीं है कि कोई डे फिक्स हो हर रोज़ आपको ये मार्केट मॉर्निंग के टाइम पर इस तरीके से दिख यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा और आप मॉर्निंग में जितना जल्दी जाएंगे उतना कम क्राउड होता है और उसके बाद फिर आगे एक और भैया यहाँ पर मिले जिनके पास आपको इस तरीके से चकला मिल रहा था वन फिफ्टी रुपीज़ में टू पीस मिल रहे थे स्टेनलेस स्टील का था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये भी और उसके बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके का मार्केट देखने को मिलता है जैसे बैक साइड में शॉप क्लोज है उसी के आगे इन्होंने शॉप लगाया हुआ है और ये मॉर्निंग का ही टाइम है सो आप बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में देखेंगे तो अच्छी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी उसके बाद शॉल्स मिल रहे थे वन फिफ्टी रुपीज़ में टू पीस शॉल्स मिल रहे थे स्टॉल्स भी भी थे थे ये भी मिल रहे हंड्रेड रुपीज में कहीं पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कहीं पर रहेगा ये भी आपको 150 में मिल जाएगा स्टॉल ये हंड्रेड रुपीज का था पर्पल वाला काफी ज्यादा अच्छी रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बाद ये वाले जो बैग हैं इस तरीके के बैग्स आपको यहाँ पर वन थर्टी रुपीज में मिल जाएंगे ये भी आपको थोड़ी बहुत आप इस पर भी बार्गेनिंग कर सकते हैं इस तरीके से बैग्स आपको कई ज्यादा शॉप्स देखने को यहाँ पर मिलेंगी शॉल्स और स्टॉल्स अभी विंटर का टाइम है इसलिए यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर मार्केट देखने को मिलेगा सीजनस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा रेंज देखने को मिलती है जैसे स्वेटर्स मिल रहे थे टू फिफ्टी में थ्री पीस बट आप जब भी कोई चीज़ यहाँ से बाय करें पहले अच्छे से चेक कीजिए उसके बाद बाय कीजिए और यहाँ पर इस तरीके से मार्केट रहता है तो कई जगह पर आपको बहुत ज़्यादा रेट बताए जाते हैं बट आप यहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हर शॉप से आपको फिक्स प्राइस रहेगा आप जहाँ चाहें आप वहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं मैंने कुछ स्ट्रीट शॉपिंग एंड कुछ शॉप्स कवर की हैं यहाँ पर आपको दुपट्टे वगैरह भी मिल रहे थे हंड्रेड रुपीज़ सेवेंटी फाइव रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दुपट्टे भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ये देखिए ये वाला सेवेंटी फाइव रुपीज़ का दुपट्टा था इसमें भी आपको कलर पैटर्न डिजाइन भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे ये भैया यहाँ पर मिले थे अब मैंने शाम के सात बजे से ये मार्केट को देखा तो बहुत ही डिफरेंट मार्केट यहाँ पर देखने को मिलेगा इवनिंग में इवनिंग में भी शॉप ओपन रहती हैं बट उसके आगे कुछ शॉप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी अब इवनिंग का जो स्ट्रीट शॉपिंग होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ अब उसी के जस्ट बुलंद दरवाजे के जस्ट सामने ही आपको यह टोपियाँ मिल रही थी हंड्रेड रुपीज़ में फ़ोर पीस मिल जाएंगे काफ़ी अच्छी टोपीज थी डिफरेंट डिजाइन से डिफरेंट कलर से ये भी आपको हंड्रेड रुपीज़ में फ़ोर पीस मिल जाएंगे ये भैया यहाँ पर सेल कर रहे थे वहीं से मार्केट शुरू हो जाता है सात बजे के शाम को सात बजे के बाद उसके बाद मुझे एक ये ब्लेज़र्स मिला जहाँ पर ये जैकेट का प्राइस उन्होंने बताया है थ्री फिफ्टी रुपीज़ और आप चेक करके लें क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं था थ्री फिफ़्टी रुपीज़ में था यहाँ पर इस तरीके से शॉपिंग बहुत ज़्यादा आपको विंटर कलेक्शन देखने को मिलेगा अभी के टाइम पर और यहाँ पर कुछ इस तरीके के बैग सेल कर रही थी एक मैडम जिनके पास आपको सिक्सटी रुपीज़ के बैग्स इस तरीके से मिल जाएंगे जो कि काफ़ी बड़े बैग्स थे और ये आपको ऐसे बैग्स बहुत ज़्यादा शॉपिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बाद एक बच्चा मिला था जहाँ जो कि वो बैंगल सेल कर रहे थे टू हंड्रेड रुपीज़ में ये पूरा सेट आ जाएगा और ये बॉक्स वाले अगर आप लेते हैं तो फोर पीस आपको मिल जाएंगे फोर यानी फोर बॉक्स आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और ये बच्चा यहाँ पर ये सेल कर रहा था तो इस तरीके से आपको कई ज़्यादा लोग यहाँ पर मिलेंगे उसी के आगे थोड़ा ऐसी ही शॉप मिली थी जहाँ पर आपको सिक्सटी रुपीज़ में इस तरीके से रिंग्स मिल जाएंगी जो कि जिनको भी बहुत पसंद होती हैं इस तरीके के रिंग्स वगैरह वेयर करना तो आपको इस तरीके की रिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी शॉप्स पे भी मिल जाएंगे और भैया लोग ऐसे ही घूमते हुए भी आपको दिखाई देंगे ये यह भैया यहाँ पर मिले थे उसके बाद मुझे एक वॉच वाले भैया मिले जिनके पास आपको इस तरीके से वॉच मिल जाएंगी वन फिफ्टी रुपीज़ में टू पीस कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी इनकी बट तो आप जब भी लें पहले आप चेक कर लें क्योंकि ये लोग दोबारा नहीं मिलते हैं और कहीं इधर उधर हो जाते हैं तो आप जब भी कुछ भी बाय करें पहले चेक कीजिए उसी के बाद आप बाई कीजिए ये भैया यहाँ पर सेल कर रहे थे आप बुलंदरबा से सीधे जैसे मार्केट में आएंगे तो आपको जब आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टॉल मिलेगा ये परमानेंट शॉप है यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा जैसे ये फोर्टी रुपीज़ में चेन मिल रही थी और इनके पास काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइंस की ईयरिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगे ये आपको वन फिफ्टी रुपीज़ में मिल जाएगा यहाँ पर आप बारगेनिंग कर सकते हैं ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है बहुत ही अच्छी शॉप थी डिजाइंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा अंकल के पास आपको देखने को मिलेंगे और ये अंकल ही यहाँ पर मिलते हैं सेट्स भी थे इनके पास ब्रेसलेट्स भी थे काफ़ी ज़्यादा रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जैसे ये ब्रेसलेट आपको फिफ्टी रुपीज़ और सिक्सटी रुपीज़ में मिल जाएंगे इनके पास रेंज काफ़ी ज़्यादा है वो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की और ये राइट हैंड साइड पर आपको शॉप देखने को मिलेगी दस से पंद्रह शॉप आगे चेन विथ लॉकेट आपको ये फिफ्टी रूपीज में मिल रहा था इसमें काफी ज्यादा डिजाइन थे काफी ज्यादा ईयर का कलेक्शन भी था कुछ बालियां भी थी यहाँ पर इनके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो अगर आपको इस तरीके से कुछ बाय करना है तो आप इस शॉप पर विजिट कर सकते हैं ये अंकल की शॉप है इस शॉप का कोई नेम नहीं था इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी आपको उसके बाद मुझे कश्मीरी से आए हुए कश्मीरी भैया यहाँ पर मिले जिनके पास इस तरीके से जैकेट्स वो सेल कर रहे थे स्मॉल साइज का जैकेट्स अगर आप वेयर लेते हैं तो वन ट्वेंटी में मिल जाएगा और अगर बड़े साइज़ का लेते हैं तो वन फिफ़्टी में इनसे भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं ऐसे कश्मीरी भैया लोग आपको इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे भैया इस तरीके से दिखाई दे रहे थे वहाँ पर उसके बाद मुझे एक लेज़र लाइट के मिली जहाँ पर आपको इस तरीके से जो पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होती थी इस तरीके से लाइट्स वगैरह वो, वो भी यहाँ पर सेल हो रही थी टू हंड्रेड रुपीज़ में ये यह भैया यहाँ सेल कर रहे थे इनसे भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ये लाइट बट आप चेक कर लें उसके बाद ही बाय करें इस तरीके से स्ट्रीट शॉपिंग करना यहाँ पर मैं प्रेफर नहीं करती हूँ सो आप भी पहले जाएँ घूमें उसके बाद ही आप शॉपिंग करें वैसे बेस्ट नहीं है यहाँ की कोई भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती बट कुछ चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं यहाँ पर ये देखिए आपको इस तरीके से टोपी मिल जाएगी हबीबी वाली टोपी उन्होंने बताया है ये आपको सिक्सटी रुपीज़ में मिल जाएगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस तरीके से आपको पूरा स्ट्रीट शॉपिंग देखने को मिलेगा बट हमेशा आप अपने मोबाइल अपने वॉलेट का ज़रूर से ध्यान रखिए उसके बाद ही आप मार्केट में घूमिए क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर आपको राजस्थानी किड्स ड्रेसेस मिल जाएंगी वन फिफ्टी रुपीज से टू हंड्रेड रुपीज में साइजेस भी आपको सारे मिल जाएंगे इसमें काफ़ी ज्यादा अच्छी ड्रेसेस यहाँ पर आपको इस तरीके से आप जैसे ले सकते हैं फैंसी ड्रेस में किड्स के लिए काफी ज्यादा यूज होने वाली चीज़ है ये तो आप इस तरीके से अगर यहाँ आ रहे हैं तो ये चीजें जरूर आप देख सकते हैं क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी कॉटन फैब्रिक में उसी के सामने मुझे एक बैंगल का स्टॉल मिला जहाँ पर आपको हंड्रेड रुपीज़ में इस तरीके से पूरा सेट का सेट बैंगल्स मिल रहे थे कलर ऑप्शंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे सिल्वर एंड गोल्डन ज़्यादा था इनके पास उसी के एक शॉप आगे मुझे ये शॉप मिली जहाँ पर आपको इस तरीके से सूट्स वगैरह मिल जाएंगे फाइव फ़िफ्टी और इस तरीके से पूरी रेंज रहेगी ये देखिए फाइव के कॉटन सूट्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थे कुछ सूट्स इनके यहाँ पर इनके पास आपको सूट का कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा इस शॉप पर भी कोई नेम नहीं लिखा था बट आप इससे पहचान सकते हैं कि इस तरीके से रेटिंग वगैरह लिखी हुई है सूट्स के ऊपर कॉटन फैब्रिक था फाइव हंड्रेड रुपीज़ इसका प्राइस था काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे कुछ सूट्स तो बहुत अच्छे थे फैब्रिक भी उनका अच्छा था उसी के बाद मुझे एक और आंटी मिली जिनके पास आपको वन फिफ्टी रुपीज़ में इस तरीके से लाइट्स लैम्प सेल कर रही थी जो कि ग्लास के थे और ये ऐसी आंटी लोग भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो कि वन में आपको टू मिल जाएंगे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आप कर सकते हैं उसी के बाद एक और बच्चा मिला मुझे जो कि हंड्रेड रुपीज़ में इस तरीके से बैग्स वगैरह सेल कर रहे थे इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कलर डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही अच्छे बैग्स थे ये भी हंड्रेड रुपीज़ के प्राइस के अकॉर्डिंग बैग्स तो अच्छे थे डिज़ाइन भी आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ऐसी शॉप्स आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलेंगी उसी के बाद यहाँ की फेमस जो कि बंदेज वाले सूट होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं यहाँ के क्योंकि जयपुरी सूट्स यहाँ पर अजमेर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मिलेगा फाइव हंड्रेड रुपीज़ सिक्स हंड्रेड रुपीज़ और सेवन हंड्रेड रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा आपको रेंज मिल जाएगी आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है ऐसी शॉप्स भी हैं ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे शॉप मिली थी काफ़ी ज़्यादा थी ज़्यादातर शॉप्स पे नेम नहीं लिखा था इसलिए मैं खुद कवर नहीं कर पाई उनके नेम्स यहाँ पर ये दो भैया लोग यहाँ पर मिले थे देखिए आपको जिस तरीके से मार्केट रहता है नाइट में कितना ज़्यादा क्राउड है आप देखें बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है और रौनक भी बहुत ज़्यादा होती है एक और शॉप पे ली जहाँ पर आपको फोर हंड्रेड रुपीज़ थ्री फिफ्टी रुपीज़ थ्री हंड्रेड में बंदेज वाले सूट मिल जाएंगे लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी कलर वगैरह निकल जाता है सो आप जब भी लें थोड़ी अच्छी क्वालिटी का सूट लें और इस तरीके से शॉप्स आपको पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉप्स इस तरीके की, की देखने को मिलेंगी ये पूरा सेट भी आप देख सकते हैं कुछ पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं कुछ पे नहीं ये आपको सिक्स हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा सॉरी फाइव फिफ्टी रुपीज़ में मिल जाएगा ऐसे फोर फिफ्टी फ़ाइव फिफ्टी में काफ़ी ज़्यादा इनके पास सूट्स की कलेक्शन थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉप थी यहाँ पर आपको पंदेज वाले दुपट्टे भी मिल जाएंगे हंड्रेड रुपीज़ में सिंगल सिंगल दुपट्टे आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज इनके पास दुपट्टे की भी देखने को मिलेगी ये वाला आपको वन फिफ्टी में मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा अच्छे दुपट्टे की रेंज थी यहाँ पर थोड़ी अच्छी और क्वालिटी में लेंगे फुल साइज़ का तो वो आपको टू हंड्रेड रुपीज़ में मिलेगा जिसका कलर वगैरह नहीं जाएगा उन्होंने ऐसा बताया है बट मैंने तो कभी बाय नहीं किया है यहाँ से उसके बाद एक टॉय की शॉप मिली जहाँ पर आपको फिफ्टी रुपीज़ में इस तरीके से टॉयज़ वगैरह मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे सॉफ़्ट टॉयज़ थे और इंडियन फैब्रिक के थे और इस तरीके से ये भैया यहाँ पर सेल कर रहे थे डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा थे टॉयज़ में और बहुत ही अच्छे थे पर इंडियन टॉयज़ थे ये सारे उसके बाद एक और भैया मिले जो कि आपको ये वाटर प्रूफ सेंटर टेबल कवर सेल कर रहे थे जो कि हंड्रेड रुपीज में आपको यहाँ पर मिल रहा था इसका वो फिक्स रहेगा इस पर वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे बट आप चाहें तो आप एक बार बारगेनिंग कर सकते हैं वैसे उन्होंने फिक्स प्राइस बताया है इस सेंटर टेबल कवर का उसके बाद हंड्रेड रुपीज में सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी जो कि काफी ज्यादा अच्छी थी यहाँ पर ये शॉप मुझे राइट हैंड साइड पर मिली थी तो काफी ज्यादा अच्छी शॉप है ये भी यहाँ पर ये भैया मिले थे और काफी अच्छी अच्छी यहाँ पर शॉप्स देखने को आपको मिलेंगी टू फिफ्टी रुपीज में एक और शॉप मिली जहाँ पर टू बैग मिल रहे थे टू फिफ्टी रुपीज में कोई भी बैग लें आप दो पीस आपको मिल जाएंगे टू बैग्स टू फिफ्टी रुपीज में स्ट्रीट शॉपिंग करना है तो आप मॉर्निंग और इवनिंग में ही करें क्योंकि ये सब आपको जितनी भी मैंने कवर की हैं ये मॉर्निंग और इवनिंग की शॉप हैं यहाँ पर आपको वन फिफ्टी रुपीज में एक और भैया मिले जो कि वन फिफ्टी रुपीज में टू फुटवेयर दे रहे थे किड्स की वो भी डिफरेंट डिज़ाइंस थे इनके पास डिफरेंट पैटर्न थे कोल्हापुरी जूतियाँ एंड कोल्हापुरी चप्पल यहाँ

ऐसी आपको कई भैया और और देखने को मिलेंगे ज्यादातर इस तरीके के मार्केट में आपको ऐसी शॉप्स भी देखने को मिलेंगी ये वाली शॉप्स आपको दरगाह के अंदर भी देखने को मिलेंगी और कुछ शॉप दरगाह के बाहर भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी काफी ज्यादा अच्छी शॉप्स लगती हैं ये भी ये बाउल आपको मिल रहा था जिसपे आपको चार कुल भी लिखे हुए मिल जाएंगे जो कि हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ में मिल रहा था उसके बाद यहाँ का फेमस जो कि सोन हलवा बोला जाता है इस हलवे को यहाँ पर आपको इन सोन हलवे की जो प्राइस स्टार्टिंग है वो वन फिफ्टी रुपीज़ पर के जी से स्टार्ट है बट आप जो भी बाय करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट उनके प्राइस हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी शॉप्स भी दरगाह के जस्ट पास आपको देखने को मिलेंगी इस शॉप का नेम है मुस्लिम स्वीट्स के नाम से थी ये शॉप इस तरीके से आपको चिरोंजी के दाने भी आपको ट्वेंटी रुपीज़ में मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से पैकेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे और बहुत ही अच्छा मार्केट लगता है आप जब भी जाएं जरूर विजिट कीजिएगा और खाना अगर आपको खाना है तो दरगाह के पास खाना हो तो आप खा सकते हैं बट आप एक बार जिनको अच्छा खाना खाना हो वो भी वेज में तो आप एक बार महादेव रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर जो कि दरगाह से थोड़ी दूर पे है आपको कोई ऑटो वगैरह से जाना होगा वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें और वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा जो कि टेस्टी एंड बहुत ही अच्छा खाना है वहाँ का सो आपको अगर खाना वगैरह अच्छा खाना हो तो आप महादेव रेस्टोरेंट पे विजिट कर सकते हैं क्योंकि मैंने वहीं पर ट्राई किया था और वहाँ का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने आप सभी को भी रिकमेंड कर रही हूँ कि जब भी आप अजमेर शरीफ जाते हैं घूमने सो आप वहाँ पर इस तरीके से कोई भी खाना वगैरह खाना हो अच्छा तो आप वहाँ विजिट करें एंड आज का हमारा ब्लॉग यहीं कम्प्लीट होता है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा एंड चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ नाइस डे बाय